हेलो गाइस, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल वीडियो। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके बीच झारखंड बोर्ड 2020 क्लास 8 साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपको झारखंड बोर्ड 2020 क्लास 8 साइंस के फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जल्दी ही जुड़ जाएं। हमारा चैनल है अनमोल वीडियो एंड एजुकेशनल चैनल। तो दोस्तों देर न करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला सवाल, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? आंसर है तारे, ग्रह, चंद्रमा और आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। सौर परिवार क्या है? आंसर है सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर परिवार में कौन कौन से पिंड शामिल हैं? सौर परिवार में ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और उल्काएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारामंडल किसे कहते हैं? आंसर है आकाश में पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों का समूह तारामंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? आंसर होगा सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे, क्या आप जानते हैं वह 9वां ग्रह कौन था? वह 9वां ग्रह था प्लूटो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटो को सौर परिवार से कब और क्यों निकाल दिया गया? इसका आंसर है दोस्तों, प्लूटो सूर्य से दूरस्थ ग्रह था। 2006 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिभाषा को अपनाया, जिसके अनुसार प्लूटो को सौर परिवार के ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? आंसर होगा प्लूटो। जी हाँ दोस्तों, प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह बहुत छोटा ग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यह साबित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है? आंसर होगा दोस्तों निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस ने सबसे पहले यह साबित किया कि पृथ्वी अस्थिर नहीं है, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, उसकी परिक्रमा करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? आंसर है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य को तारा क्यों कहा जाता है? सूर्य को तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास अपना प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाते प्रतीत होते हैं, क्यों? इसका आंसर होगा दोस्तों, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, इसलिए तारे पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाते प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तर्षि क्या है? आंसर होगा दोस्तों, सप्तर्षि 7 तारों का एक समूह है। इस तारामंडल को ग्रेट बियर भी कहते हैं। इसकी आकृति एक बड़ी कलछुल अथवा प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि में उत्तर दिशा का ज्ञान किस तारे से होता है? आंसर होगा ध्रुव तारा। जी हाँ दोस्तों, रात्रि में उत्तर दिशा का ज्ञान हमें ध्रुव तारा से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव तारा हमेशा एक जगह अस्थिर दिखाई देता है, क्यों? इसका आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ध्रुव तारा पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है, इसीलिए ध्रुव तारा हमेशा एक जगह स्थिर दिखाई देता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि हमारा चैनल आपके बीच लगातार हर दिन नई नई जानकारी वाली वीडियो लाता रहा है। ठीक है दोस्तों, साथ ही
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।